हेलो गाइस, डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों देखा था कि अगर किसी बेस की पावर एक बार रिपीट होती है तो हम बाय लॉगरिथमिक मेथड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने लेक्चर 6 में एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। नाउ आज का जो अपना लेक्चर है इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर लेक्चर है बेटा, जिसमें क्या होगा, जो पावर होगी 1, 2, 3, 4 टाइम ना रिपीट हो गए, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगी, तो उसका उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस वे में होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वर्किंग रूल क्या होता है अपना इनफाइनाइट सीरीज को सोल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन में, पहला स्टेप होता है बेटा, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पावर कहां से, पावर या फिर वैल्यू रिपीट कहां से स्टार्ट हो रही है। तो आइडेंटिफाइड रिपीटेशन ऑफ पावर या वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन में पावर या वैल्यू कहां से रिपीट हो रही है, जहां से भी पावर बेटा रिपीट हो रही है उस फंक्शन को हमेटा हमेशा वाई एज्यूम किया जाता है। तो ऑलवेज एज्यूम वाई द रिपीटेशन ऑफ पावर, रिपीटेड पावर या रिपीटेशन ऑफ जो पावर होती है उसका हमेशा वाई एज्यूम किया जाता है। इसके बाद के टोटल इसके बाद जो अपना क्वेश्चन होता है सिमिलर हो जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन की तरह। उसके बाद जो हमने लेक्चर 6 में जो सीखा किस तरीके से लॉगरिथमिक मेथड को सोल्व किया जाता है, इनफाइनाइट सीरीज को उसी मेथड के थ्रू सोल्व किया जाता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है बेटा कि सबसे एंड में हम उसमें वाई की वैल्यू पुट करते थे, जबकि इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन में एंड में हम वाई की वैल्यू पुट नहीं करते, अपना जो सॉल्यूशन होता है वाई की फॉर्म में आता है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज का वर्किंग रूल होता है, जो कि मैंने आपको बताया। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो बेटा अपने बाद जो क्वेश्चन है स्टूडेंट गाइज, y इक्वल टू x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x, इनफाइनाइट सीरीज तक रिपीट हो रही है, यहाँ पर एंड में इनफाइनाइट का साइन है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे पावर कहाँ से रिपीट हो रही है। हमने देखा कि x की पावर x है, अगेन x की पावर x है, अगेन x की पावर x, इनफाइनाइट सीरीज तक जा रही है। तो हमारी जो पावर है यहां से क्या हो रही है, अपनी रिपीट हो रही है, जो कि मैंने लिख दिया रिपीटेशन ऑफ पावर, इसको बेटा मेंशन नहीं करते, मैंने आपको समझाने के लिए मेंशन कर रखा है। जहां से पावर रिपीट होती है बेटा उस वैल्यू को वाई एज्यूम किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया। तो अपना क्वेश्चन जो हो गया, जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, वाई इक्वल टू एक्स की पावर वाई में हो गया, आफ्टर डैश लॉग वाला मेथड यूज करेंगे बेटा, लॉगरिथमिक मेथड यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, जो क्या कहता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, y इज कन्वर्टेड इनटू लॉग y एंड पावर आगे आ जाती बेटा बेस वाले फंक्शन के साथ x लग जाता है y इंटू लॉग x। तो y इंटू लॉग x प्रोडक्ट रूल से सोल्व होगा 1 × 2 से। उसके बाद अपने हमने जो सेकंड स्टेप फॉलो किया बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डिफरेंशिएट लॉग y का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा 1/y। नाउ वाई का डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डी एक्स, जो कि हमने चेन रूल से किया पीछे वाले लेक्चर में, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है हुआ है। वाई पहला फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड सेम, लॉग एक्स सेम आ जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपना डीवाई बाई डी एक्स। नाउ अपना टोटल वैल्यू जो हो गई, जो मैंने डिफ्रेंशिएट करने पे आई, वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, y को x से मल्टीप्लाई कर दिया, y ओवर x प्लस log x इंटू डीवाई बाई डी एक्स। हमने देखा कि इस क्वेश्चन में अगेन 2 टाइम्स डीवाई बाई डी एक्स आया, तो इन दोनों को एक साइड में ले आएंगे बेटा, तो 1/y डीवाई बाई डी एक्स ये अपना राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट में लेके पॉजिटिव साइन है, तो इसका साइन कन्वर्जन हो जाएगा नेगेटिव साइन, log x इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में अपना जो फंक्शन रह जाएगा ओनली y ओवर x होगा। आफ्टर डैट क्या किया हमने बेटा, इन दोनों फंक्शन में dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, अपना कॉमन आ गया, तो अपना फंक्शन रह गया ब्रैकेट में 1/y, जो यहाँ पे और यहाँ पर
लॉग एक्स रहेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर वाई ओवर एक्स फंक्शन है। इसके बाद क्या किया, टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम लिया तो बेटा वाई आया, और इसको सॉल्व करने में वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। आफ्टर दैट हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को वन प्लस वाई लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटू वन माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, जो कि हमारे डीवाई बाई डी एक्स आएगा। तो इस वे में बेटा हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं बेटा इनफाइनाइट सीरीज का, वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस, इसके अंदर एक और फंक्शन है अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस इनफाइनाइट सीरीज तक अपना फंक्शन जा रहा है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा कि रिपीटेशन कहां से हो रही है, रिपीटेशन हमने देखा कि जो ये वाला फंक्शन है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अगेन अंडर रूट साइन एक्स, इसके बाद प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक हमारा फंक्शन जा रहा है, तो रिपीटेशन यहां तक यहां से स्टार्ट हो रही है। तो हमने क्या बताया था बेटा, मैंने जहां से रिपीटेशन हो रही है उस फंक्शन को हम एज्यूम करते हैं वाई, तो जो रिपीटेशन वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया वाई, तो कभी भी बेटा अंडर रूट में वैल्यू होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी वे में करने के लिए स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड के करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करने पे वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना जो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, अपना सिंपल फॉर्म आ गई क्वेश्चन की। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अपना फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आफ्टर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन लगाया, डी वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव हो गया बेटा टू वाई हो गया, एंड वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस का डेरिवेटिव कोस एक्स और सॉरी साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद क्या करा हमने, डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन को एक साइड ले गया बेटा, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव साइन इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइन टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया इज इक्वल टू में अपना रहेगा कोस एक्स। नाउ टेकिंग कॉमन डी वाई बाई डी एक्स टू वाई माइनस वन अपना ब्रैकेट रहेगा इज इक्वल टू कोस एक्स, अब टू वाई माइनस वन अपना मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू में जाकर डिवीजन में जाएगा बेटा, टू कोस एक्स के डिवीजन में टू वाई माइनस वन चला गया वन गया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से हमने देखा कि वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इनफाइनाइट सीरीज का सॉल्यूशन करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा इनफाइनाइट सीरीज का, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 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 इनफाइनाइट सीरीज होता है बेटा, ई की पावर एक्स दो बार देखे इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है, तीन बार देने के बाद भी इनफाइनाइट सीरीज, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, जैसा कि मैंने इनफाइनाइट सीरीज में आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि रिपीटेशन पावर की कहां से हो रही है या वैल्यू की रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रही है। तो रिपीटेशन हमने देखा बेटा e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x इस पोजीशन से रिपीट हो रही है, तो यहां पर इस फंक्शन को हम क्या एज्यूम करेंगे y, तो अपना जो फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू e की पावर x प्लस इस पूरे फंक्शन को y दे देंगे e की पावर x प्लस y। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y का जो लोग लेंगे लोग वाई हो जाएगा बेटा इक्वल टू पावर आगे आ जाती है बेस के साथ लोग लग जाता है लोग ई, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया लोग ई की वैल्यू जो बेटा होती है वन होती है, लोग ई की जगह हमने क्या कर दिया वन पुट कर दिया, तो हमारा फंक्शन हो गया लोग वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लोग वाई का डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ लोग वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये कौन से रूल से हुआ है बेटा अपना चेन रूल से हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको
बताया, इट्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किया हमने। तो लॉग वाई का जो डेरिवेटिव होता है वन बाई वाई बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है डीवाई बाई डी एक्स। अगेन अपने पास लेफ्ट हैंड साइड दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड डीवाई बाई डी एक्स आ गए, तो दोनों को एक साइड में ले जाएंगे बेटा, यहाँ प्लस में है डीवाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू अपना जो वन फंक्शन रहेगा वन आ गया। आफ्टर डैश क्या किया हमने बेटा, इसमें से डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया बेटा, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो यहां पर जो हमारा फंक्शन रह गया वन बाई वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वन। इसके बाद हमने जो यहाँ पे लिया एलसीएम लिया बेटा, वन इंटू वाई का जो एलसीएम होगा वाई आएगा, वन इंटू वाई नोमिनेटर में आ गया इज इक्वल टू वन। नाउ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, वन को वाई से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपना रिजल्ट क्या आया, वन को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई आ जाएगा, या वन माइनस वाई नोमिनेटर में है तो यहाँ पे कहां से जाएगा डिनोमिनेटर में इक्वल टू में जाके, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई जो अपना अपना डेरिवेटिव आ गया जो कि गिवन क्वेश्चन था वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स। तो गाइज इस तरीके से इस वे में हम इनफाइनाइट सीरीज का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो बेटा आपके लिए आज मैं कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट और भी इनफाइनाइट सीरीज के कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है अपना होम असाइनमेंट के लिए बेटा, वाई इक्वल टू इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स इज इनफाइनाइट सीरीज तक है, इसका डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना बेटा। वाई इक्वल टू इसके थोड़ी इंट दे देता हूं बेटा, तो रिपीटेशन पावर यहां से है तो इसको वाई मानेंगे, कभी भी अंडर रूट में वैल्यू होगी बेटा उसकी पावर होगी, तो अंडर रूट का मीन्स क्या होता है वन बाई टू, मीनिंग वन बाई टू होती पावर वन बाई टू किया आफ्टर दैट पावर की पावर होती है दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा असाइनमेंट में क्वेश्चन है बेटा, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनी, इसका भी डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना बेटा। नंबर तीन क्वेश्चन है असाइनमेंट का, वाई इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस इनफाइनाइट सीरीज तक बेटा डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना। तो बेटा इस होम असाइनमेंट को करके देखना और आपको इससे पता लग जाएगी आपको कितना इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर कितना समझ में आया है। तो मुझे आशा है कि बेटा आपको मेरा ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, इनफाइनाइट सीरीज मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंचाई जाए ताकि उनके भी कंसेप्ट डिफ्रेंसिएशन के क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।